और ये बर्फ देख रहे हैं आप मेरे ऊपर गिर रहा है। जय माता दी। मुझे लगता है कि विचार करना पड़ेगा, लग रहा है गलती कर दिए यहाँ से शॉर्टकट लेके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ सुपर्णा देवी टेम्पल और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। तो अभी हम कानाताल कैंप में हैं और अभी हमारा प्लानिंग बना है सामने वो जो सुरकुंडा देवी का टेंपल दिख रहा है वहाँ पहुँचना है। तो वो आपको टावर दिख रहा होगा सुरकुंडा देवी का, अभी हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं सुरकुंडा देवी टेंपल के लिए और शाम का टाइम है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और कब तक रिटर्न होते हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी सांसें फूलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शरीर को थोड़ा आराम कम देने की ज़रूरत है। और सोचने वाली बात ये भी है कि आज बहुत थक चुके हैं ना हम लोग। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। धनौल्टी से कानाताल आते समय रास्ते में ही सुरकुंडा देवी का टेम्पल पड़ा था तो हमें भी 10 किलोमीटर वापस उसी रास्ते पर जाना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि अभी शुरुआत में ही यह हालत हो गया। ये कहाँ से जा रहे हो? शॉर्टकट मार दिया। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए हम सभी थक जाते हैं लेकिन ये माता जी चल करके पैदल ऊपर गई और दर्शन करके वापस लौट रही हैं। ये हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब आप भी कर लीजिए झटपट दर्शन। जय माता जय माता जय माता जी। यार ये रास्ता कैसे सेलेक्ट कर रहे हो भाई? यार वहाँ से जाना था, ये दोनों चिरकुट हम तुम लोगों से पहले पहुँचेंगे। देखो ये लोग शॉर्टकट मार रहे थे लेकिन इनसे पहले मैं पहुँच गया। रास्ता ब्लॉक है। कैसा लगा? मजा आ गया। यहाँ से एक रास्ता ये गया है, दूसरा रास्ता ये गया है, ये पता नहीं ऊपर मंदिर तक जाता है कि नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ क्या या यहाँ से जाओ, इधर ही से चलते हैं। आ जाओ इधर से आओ। पता नहीं क्यों ये माता जी का मंदिर हमेशा पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर ही क्यों बना होता है। ये दोनों कई बार शॉर्टकट ले चुके, मैं एक बार भी नहीं लिया तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी इस बार शॉर्टकट ले लूँ। वाह काफी खतरनाक लग रहा है। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। लगता है वापस आते आते रात हो जाएगा। एक बार फिर ये शॉर्टकट ले लिए। अब मेरे पास मेरा बैग है जिसमें कैमरा है, एक बोतल है और इस हाथ में गोप्रो है। अब ऊपर तक चढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं मुख्य मार्ग से चलता हूँ। वैसे एक बात तो है, जय माता दी बोलने में एनर्जी मिल रहा है। जय माता दी जय माता दी। हे माँ पहाड़ों वाली। उधर ही कहीं नीचे पर हमारा कैंप है, उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। वो यहाँ से शॉर्टकट मार दिए, वैसे यहाँ तो बहुत घूम के जाना होगा तो हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ से शॉर्टकट ही मारा जाए।
भाई पीछे बस नहीं देखना, ये बहुत खतरनाक लग रहा रास्ता। थक गया भाई। फाइनली चढ़ गया यार। बस अब रेस्ट चाहिए। जय माता दी। वाह क्या शानदार नजारे। एक बार फिर शॉर्टकट। मैं सोच रहा था कि रुद्रनाथ का ट्रैकिंग करूंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन ये ट्रैकिंग करके मुझे लगता है कि विचार करना पड़ेगा रुद्रनाथ के लिए। ये लोग जा कहाँ से रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रास्ता है यार, कैसे ही तुम लोग चले चले जा रहे हो। रास्ता है यार, कांटा है यहाँ पे, पैर में चुभ जाएगा। ये देखो शॉर्टकट में भी शॉर्टकट। अब ये हम कैसे चढ़े यार। थोड़ा सा हाथ से बल लगाना पड़ेगा, हाथ से ग्रिप बनाना पड़ेगा। कैमरे को पॉकेट में डाल दीजिए, हाथ से ग्रिप बना के आइए। जय माता दी। हम पीछे नहीं देखेंगे। रास्ता है यार, और क्या। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रेस्ट। ओह पकड़े तो ना पड़ी, लग तो रहा है पकड़ना पड़ेगा यार। आइए धन्यवाद। माय गॉड यार, रास्ता बहुत दूर लग रहा है। आप ज़्यादा दूर नहीं। लग रहा है गलती कर दिए यहाँ से शॉर्टकट लेके। थक गया। अरे नहीं आ रहा, बिजली का तार है। थैंक गॉड मैं इस मेन स्ट्रीट पर आ गया और हालत खराब हो गई भाई बिल्कुल। और ये बर्फ देख रहे हैं आप, मेरे ऊपर गिर रहा है। ये देखिए मेरे ऊपर बर्फ गिर रहा है। जय माता दी।
आजास, बर्फ गिर रहा है, मंदिर बंद है, लेकिन अभी अभी बंद हुआ है, थोड़ी देर में खुलेगा। कितना ऊंचा है, आजा आजा आजा। जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट लिया, हालत हो गई खराब। कितनी देर में खुल जाएगा? थकान जरूर हो गया, लेकिन ये जो बर्फ, ये जो आनंद है ना, ये जो हमारे ऊपर बर्फ पड़ रही है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी। मंदिर तक आते आते हालत खराब हो रही है, पर बर्फबारी हो रही है भाई, हो जाती है 10-15 मार्च तक यहाँ बर्फबारी हो जाती है। क्या ये 9,500? चलिए, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या कौन सा चैनल है ये? स्ट्रोलर स्पिरिट। ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर विद्यमान है, ये माँ सुरकंडा देवी का। ये देखिए झिलमिल सितारों सा मंदिर अपना, क्या बेहतरीन नजारा, क्या बेहतरीन। माता का दर्शन हो गया और अब हम नीचे उतर रहे हैं। जो चढ़ने में जो ताकत, जो एनर्जी लगा था, उतरने में लग रहा है कि कुछ रिलीज हो रहा है अब। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय माता दी।